So in today's class, we'll be focusing on geometric progression. Our main focus would be to discuss the concept of nth term and some of first n terms, along with some very, very good questions that have been asked in different exams. ठीक है, तो आओ चलो शुरू करते हैं. When we talk of a n, इसकी बात मैंने last class में भी की थी, right? किसी भी GP में, geometric progression में, हमारे पास terms कैसे होते हैं? a r square and so on. The nth term is a r raised to the power n minus 1. That is the nth term. Okay, just the way you used to call them in the case of AP, you used to call them the last term. Isko bhi tum last term keh sakte ho. That can be represented with the help of L. Or you can say it a n, or you can say it t n. ये सारी बातें ही एक्सेप्टेबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ तो सर्टेनली ध्यान रहती है दैट द nth टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू a r रेज टू द पावर n माइनस 1, वेयर r इज द रेशियो. ठीक है, r इज द कॉमन रेशियो. r हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं? r हम लोग हमेशा कभी भी सेकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म कर दो, या फिर आप थर्ड टर्म ओवर सेकेंड टर्म कर दो, या फिर इन जनरल आप कह सकते हो nth टर्म ओवर n माइनस 1th टर्म कर दो, सो यू गेट द कॉमन रेशियो. दैट इज व्हाट वी स्टडीड इन द लास्ट क्लास. दैट वाज अ क्विक रिवीजन ऑफ दैट. सडनली वी डिड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए थे. आज की क्लास में हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे. एंड एज आई सेड दैट विल बी स्टार्टिंग विद अ क्वेश्चन दैट वाज गिवन टू यू. सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस क्वेश्चन? Just raise hand. Simply raise hand. Okay, right. I did. Just type I space D. That means you have done. In the comment box. Do it fast. If you have done it, just type I did in the chat box. No one did it. Is it that difficult? ओके, अंकिता हैज डन, दैट्स ऑल. और किसी से नहीं हुआ या ट्राई नहीं किया? चलो मैं डिस्कस करता हूँ. अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी को हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. एनसीईआरटी की कुछ क्वेश्चन बाकी काफ़ी कंसेप्चुअल और अच्छे होते हैं. अच्छे का मतलब उसमें काफ़ी लर्निंग होती है. ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप एक क्वेश्चन में सीखते हो. और चलो मैं इस क्वेश्चन को इन डिटेल डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा. ओके, एंड मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आप क्लास में बैठे होते हैं तो प्रॉपरली आप सही जेस्चर में बैठें, राइट. टेबल पे अपना डिवाइस रखें, टेबल पे आप अपनी नोटबुक रखें और प्रॉपर नोट्स बनाएं जैसे कि आप किसी क्लासरूम में करते हैं. ठीक है, वर्चुअल क्लासेस का पर्पस तभी सॉल्व होता है अगर तुम उतने ही अटेंटिवली पढ़ते हो जितने तुम क्लास में बैठते हो. ठीक है, सो बी अटेंटिव एंड बी केयरफुल एंड वेर एवर यू हैव एनी प्रॉब्लम डोंट हेजिटेट इन आस्किंग एवरी सिंगल पॉइंट. ओके, लेट मी गेट बैक टू द क्वेश्चन. सो दे आर सेइंग दैट पीएथ क्यूएथ RS and SS term of an AP. कोई AP है? AP में तो आपको पता है ना कि nth term कैसे लिखते हो. How do you find the nth term in an AP? Let me remind you, it is a n minus 1 into d, where a is the first term and d is the common difference. ठीक है, based on this, अगर मैं इसमें pth term की बात करूं, let's call it AP, qth term की बात करूं, let's call it AQ, and so on, RS term and SS term. Okay, if I talk about these terms, right? So in terms of A and D, kitna ho jayega ye? A plus P minus 1 into D, that would be A plus Q minus 1 into D, A plus R minus 1 into D, and that would be F माइनस 1 इनटू टी. ठीक है, दैट इज थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, स्कूल का क्वेश्चन है और ये जनरली जब स्कूल एग्जाम में टीचर्स देते हैं एनसीईआरटी का है तो सर्टेनली इसकी वेटेज एग्जाम में आने की काफ़ी है आपके स्कूल एग्जाम में. तो जनरली इसकी वेटेज 4 मार्क्स से तो कम नहीं होती. ठीक है, तो लेंदी है तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, सिर्फ केयरफुल होकर के तुम्हें करना है. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव यूज्ड इन दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से कुछ देखा और इतनी बातें जो हमें समझ में आ गई वो हमने यहाँ पे इसको ए और डी के फॉर्म में लिख लिया. ठीक है, वी हैव जस्ट एक्सप्रेस थिंग्स इन टू वेरिएबल्स ए एंड डी. ठीक है,
दैट इज वॉट इज गिवन टू अस, और उसको हमने जो डेटा है उसको हमने इस तरीके से लिख लिया. ओके आगे क्या कह रहे हैं, दैट दीज टर्म्स, ये जो टर्म्स हैं दे आर इन जीपी. ये टर्म्स क्या है, ये जीपी में है. अब तुम्हें ये तो पता है ना कि अगर जीपी में होते हैं तो क्या होता है, इनके आपस का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, राइट. इसके आपस का रेशियो कांस्टेंट होता है. तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको जीपी में कंसिडर कर रहा हूँ तो आपको पता है कि अगर मैं इसको फर्स्ट टर्म लेता हूँ, राइट, अगर मैं इसको फर्स्ट टर्म लेता हूँ एज दे आर इन जीपी, तो सर्टेनली कोई ना कोई कॉमन रेशियो होगा. तो फर्स्ट टर्म इज कैपिटल ए, सेकेंड टर्म वुड बी वॉट ए इंटू आर, एंड थर्ड टर्म विल बी वॉट, दैट विल बी ए इंटू आर स्क्वायर, एंड ग्रेजुअली आई विल राइट द लास्ट टर्म एज ए आर क्यूब. आई होप यू आर ओके विद दैट. ठीक है, आई बिलीव यू आर ओके विद दैट. ऑल राइट, बहुत बढ़िया. अब हमें प्रूव क्या करना है, इससे आते हैं. हमें ये प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास टर्म्स हैं पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर और आर माइनस एस, दे आर ऑल्सो इन जी पी. हमें ये प्रूव करना है. अब देखो सबसे पहली चीज़ मैं इस बात पे आऊँगा कि आपने ये चीज़ पढ़ी थी दैट इफ़ यू हैव ए बी एंड सी, इफ दे आर इन ए पी, व्हाट डिड यू लर्न अबाउट दैम, यू लर्न दैट ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, दैट इज व्हाट यू हैव लर्न. अगर तीन टर्म्स हमारे पास ए पी में हैं तो दिस हैज टू बी ट्रू. सिमिलरली इन केस यू हैव थ्री टर्म्स इन अ जी पी, अगर ए बी सी हमारे पास जी पी में है तो क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म. अब ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है, इसको समझना बहुत ईजी है. देखो कुछ रटने वाली चीज़ तो होती नहीं है मैथमेटिक्स में, हर चीज़ समझने की होती है. तो आओ समझ लो क्या होता है, आप इसमें रेशियोज ले लेते हो. जैसे रेशियो क्या हो जाएगा, बी बाई ए सेकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म, दैट वुड सर्टनली बी इक्वल टू वॉट, थर्ड टर्म ओवर सेकेंड टर्म. जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आप इसी पॉइंट पर पहुँचोगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी. ठीक है, तो यहाँ से ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है. जैसे मैंने आपको ये बात बताई थी, कभी भी अगर मुझे ए पी में कुछ भी प्रूव करना है तो मैं क्या करूँगा, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट एंड थर्ड टर्म कर दूंगा, तो ये प्रूव हो गया दैट इज इन जी, दैट इज इन ए पी. तो अगर मुझे जी पी में कुछ भी प्रूव करना है तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म. ठीक है, तो ये वाली बात आई होप आपने लिख ली होगी, राइट. दिस इज समथिंग दैट विल बी यूज इन दिस क्वेश्चन एंड दैट द कॉन्सेप्ट वेरी ईजी, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव. ठीक है, तो अगर तुमने इसे लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है. ये जो ब्लू में लिखा है ये कॉन्सेप्ट है, आप इसको लिख लें. मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ. ठीक है, तो इफ यू हैव डन प्लीज रेज यू हैंड, इफ यू हैव रिटन डैट जस्ट रेज यू हैंड सो दैट आई कैन इरेज इट वेरी फास्ट एंड देन आई कैन प्रोसीड विद द सॉल्यूशन अहेड. दैट्स फाइन, वंडरफुल. चलो देखो, तो इतनी सी बातें तो आपको पता लग गई. अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर और r माइनस एस. इसको ऑप्टेन करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इनके आपस का ना डिफरेंस चेक करता हूँ. ठीक है, जब मुझे p माइनस क्यू चाहिए तो मुझे ऑब्वियस सी बात है इनके बीच का कुछ डिफरेंस देखना पड़ेगा. तो देखो मैं इनके बीच का डिफरेंस लेता हूँ, लेट अस नेम देम एज इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री एंड इक्वेशन फोर. ठीक है, जब मुझे p माइनस क्यू चाहिए तो मुझे समझ में आता है कि मैं वन माइनस टू करता हूँ. ठीक है, जब ध्यान से देखना, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन वन. व्हाई एम आई सब्सट्रैक्टिंग, बिकॉज आई नीड टू गेट p माइनस क्यू. मुझे p माइनस क्यू चाहिए और मैं देख रहा हूँ जब मैं इसमें से ये सब्सट्रैक्ट करूँगा तो a और a कैंसिल हो जाएगा, d के साथ मेरे पास p माइनस क्यू आ जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क मी वेरी ब्लंटली. ठीक है, तो ये वाली चीज़ मुझे लेफ्ट साइड पे क्या दे रही है, मुझे लेफ्ट साइड पे देखो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ सो दैट देर इज़ नो कन्फ्यूजन टू एनी वन अमंग यू. तो ये p माइनस वन, हालांकि बहुत सिंपल है लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ. ठीक है, और माइनस साइन की जाए सेकेंड इक्वेशन आप सब्सट्रैक्ट करोगे, दैट इज a प्लस क्यू माइनस वन इंटू टू. राइट साइड पे क्या जाएगा बेटा, दैट वुड बी a माइनस ए आर. आप इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो देखें ये a और a कैंसिल हो रहा है, राइट. और यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, ये देखो यहाँ पे ये d था ना, इट वॉज d, राइट, इट विल बी d. तो ये माइनस d और माइनस का माइनस d, ये वाला माइनस वन भी तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, राइट. बचेगा क्या लेफ्ट साइड पे तुम्हारे पास, लेफ्ट साइड पे बचेगा d इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू a वन माइनस आर. इफ दैट इज अंडरस्टूड
कैन यू प्लीज़ रेज योर हैंड क्विकली। अगर ये बेसिक सी बात तुम्हें समझ में आ गई है तो जस्ट एक बार हाथ ऊपर खड़ा कर दो, सो दैट आई कैन प्रोसीड फास्टर। दैट्स गुड, वंडरफुल। देखो अब ये वाली चीज़ तुम्हें समझ में आ गई, तो अब मैं ये कैलकुलेशन ही रेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। आई होप काम साथ साथ लिखते जा रहे हो, नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास के बाद लिखना, ठीक है। बिकॉज स्पेस कम है, मुझे इतने स्पेस में चीज़ों को आपको समझाना है, तो मैं यहाँ पे रेज कर रहा हूँ। ओके फाइन, सो दिस इज द कंक्लूजन दैट आई विल कीप विद माई सेल्फ। ये कंक्लूजन मैं यहाँ से रखूंगा। ये कंक्लूजन क्या क्या है? इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू। सो दिस इज द फर्स्ट कंक्लूजन दैट आई हैव। आओ इसको क्या लिख लें, आओ इसको इक्वेशन नंबर 5 कह देते हैं। सिमिलरली और क्या चाहिए मुझे? q माइनस आर चाहिए। q माइनस आर कैसे आता हुआ दिखता है? q माइनस आर मुझे जब मैं 2 को 3 से सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मुझे ऐसा मिल जाएगा। तो अगेन बिल्कुल सिमिलर सी चीज़ आ जाएगी ना, d टाइम्स q माइनस आर। और इधर राइट साइड पे अब क्या आएगा, देखो ध्यान से, ए आर तुम कॉमन लोगे तुम्हारे पास 1 माइनस आर आएगा, ठीक है। दैट लेट अस टेक इट एट इक्वेशन नंबर 6। सिमिलरली मुझे एक और टर्म कौन सा चाहिए? आर माइनस एस चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, इक्वेशन 3 में से मैं इक्वेशन 4 सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास आ गया d टाइम्स एंड दैट वुड बी r माइनस s। और इधर क्या आएगा, ए आर स्क्वायर मैं कॉमन ले सकता हूँ, आई कैन टेक ए आर स्क्वायर इन कॉमन। और ये वाली चीज़ मेरे पास 1 माइनस r हो जाएगी। लेट से दैट दैट इज इक्वेशन नंबर 7, दैट इज इक्वेशन नंबर 7। अब देखो भाई, आपको जो प्रूव करना है आप सारा फोकस वहीं पे रखो। आपको क्या प्रूव करना है कि ये चीज़ें क्या हैं, दीज थिंग्स आर इन दे आर इन जीपी, राइट। ये चीज़ें क्या हैं, ये जीपी में है। तो मैं क्या करता हूँ, इस डी को उठा करके इधर ले जाता हूँ, इस डी को उठा करके मैंने इधर लेके कर सकते हैं ना, मल्टीप्लीकेशन में, तो आई कैन टेक इट इन डिविजन, ठीक है। आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दैट। नाउ अगर ये P माइनस क्यू, क्यू माइनस आर और R माइनस एस अगर ये GP में है, तो आप क्या जानते हो थ्री टर्म्स GP में कब होते हैं? जब स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म बच्चों? इट इज Q माइनस आर का होल स्क्वायर, इफ दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू टर्म्स। अदर टू टर्म्स मेरे पास क्या हैं? इट इज P माइनस क्यू इन टू आर माइनस एस। इफ वी कैन प्रूव दिस, if we can prove this, then the question is done. हमें इस वाली चीज को बस प्रूव करना है, ठीक है। तो आओ शुरू करते हैं, let us start with the final thing, right? Lengthy है, as I told you, lengthy तो है ही है, लेकिन हाँ इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आओ चलो इसको मैं इरेज करने की बजाय नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ, बिकॉज अगर इनकेस आप में से किसी को भी थोड़ी भी कोई परेशानी हुई तो मेरे पास सोल्यूशन अवेलेबल होगा, ठीक है। सो आई विल कैरी दिस सॉल्यूशन टू द नेक्स्ट पेज एंड विल गेट द फाइनल आंसर देयर। लेट्स से दिस वाज द केस, ठीक है, हियर इट वाज, आई विल पेस्ट इट हियर एंड आई विल डू द रिमेनिंग पार्ट ऑन द राइट हैंड साइड। ये देखिए, तो देखो भाई मुझे ये प्रूव करना है, तो मैं यहाँ पे LHS से स्टार्ट करता हूँ। लेट मी स्टार्ट विद द LHS। LHS मेरे पास कितना है? इट इज Q माइनस आर होल स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 मैं इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, क्यू माइनस आर की होल स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। कितना आ गया बेटा, इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये कितना आएगा? दैट विल बी ए स्क्वायर। सारी चीज़ें होल स्क्वायर हो जाएंगी, सिंपल सी बात है ना। तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, ठीक है। आई होप यू आर एब्सोल्युटली ओके विद दैट। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल इक्वेशन नंबर 6 को स्क्वायर किया LHS और RHS को, ठीक है। अब देखो एट द एंड हमें ये भूलना नहीं है कि हमें पहुंचना कहाँ है। हमें क्या चाहिए? P माइनस क्यू चाहिए। तो P माइनस क्यू के लिए क्या चाहिए? A इंटू 1 माइनस आर। तो ये ए स्क्वायर है ना, मैं इसमें से एक ए स्क्वायर को A लिख लेता हूँ और यहाँ 1 माइनस आर का होल स्क्वायर है, तो एक 1 माइनस आर को ऐसे लिख लेता हूँ, आई होप यू डोंट माइंड दैट, ठीक है। और डिवाइडेड बाई डी कर देता हूँ, जो बचा उसको राइट साइड लिख लेते हैं। एक ए बच गया, एक मेरे पास क्या बच गया, एक मेरे पास आर स्क्वायर बच गया, ठीक है। और एक क्या रह गया मेरे पास, 1 माइनस आर रह गया और नीचे एक डी रह गया। ध्यान से देखो, इज इट एग्जैक्टली द सेम थिंग, राइट? ए स्क्वायर था, ए इंटू ए स्क्वायर है, आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर है, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर था, इट इज देयर एंड डी स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर। नाउ दिस थिंग, व्हेन यू एक्सप्रेस दिस थिंग इन दिस मैनर,
यू कैन स्ट्रेट अवे सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 7. लुक इनटू इक्वेशन नंबर 5. व्हाट इज दिस चिल्ड्रन? दिस इज पी माइनस क्यू. दिस इज पी माइनस क्यू. एंड इफ यू लुक इनटू इक्वेशन नंबर 7, व्हाट इज दिस? दिस इज आर माइनस एस. इज इट द रिक्वायर्ड आर एच एस? सर्टेनली यस, सर्टेनली यस. So if you do all these things, you should get all the marks, whatever is the weightage, whether it is 4 marks or 6 marks. If it is understood, just type U. If you want me to repeat, type R. समझ में आ गया, तुमने लिख लिया, तो U लिखो. नहीं समझ में आया, repeat करवाना है, तो R लिखो. Do it fast so that we can proceed ahead. आज बहुत अच्छी-अच्छी चीजें हमें सीखनी हैं. Right, lot of things we have, lot of new things we have to learn. Okay. Wonderful. So I've got all the U's, no R. So I'll proceed ahead. चलो मैं इसको erase कर रहा हूँ. Okay? If you want to take a screenshot या तुमने लिख लिया तो बहुत अच्छा रहेगा. Right? मैं बार बार इस पर बहुत ज़्यादा emphasize करता हूँ कि notes ज़रूर से बनाओ. Right? It's very important. So I'm erasing it. Okay? One of your mic is working. Right? If you're not speaking, then you must keep it on mute. ठीक है? चलो wonderful. तो कुछ और क्वेश्चंस हैं बिफोर आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इन अ डीपी. राइट, हम जब अभी सम निकालना सीखने वाले हैं, उससे पहले कुछ और क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 20.1 के आरडी शर्मा से, जो मुझे थोड़े अच्छे लगे. मुझे लगा चलो इनको भी डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट दैट यू शुड स्ट्रगल एनी वेयर. किसी कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होता जहाँ तुम्हें तो लगे कि यार यार ये तो मुश्किल है, ये मेरे से नहीं हो रहा. ऐसा नहीं होना चाहिए. वंस आई हैव टॉट यू, इट शुड बी क्लियर. ठीक है, तो चलो ये कुछ क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे, मुझे लगा चलो इनको डिस्कस करते हैं. तो आइए देखते हैं. इनकेस अगर कुछ और भी तुम्हें डिस्कस करना है तो आप अपना टेक्स्ट बॉक्स में या फिर चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हो. यू कैन टेल मी द पेज नंबर, द एक्सरसाइज नंबर, द क्वेश्चन नंबर. राइट, यू कैन आस्क मी इवन नाउ, नो प्रॉब्लम. लाइव क्लास में आप उस बात को आसानी से पूछ सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स लुक इनटू दिस. ये मेरे पास ए बी सी डी एंड पी, दे आर डिफरेंट रियल नंबर्स. Such that this is the case. काफ़ी डिफरेंट सा क्वेश्चन है और इसमें लेस देन इक्वल टू जीरो दे रहे हैं. तो देखो यहाँ पे मुझे ना थोड़ा सा एक हिंट सिर्फ ये मिलता है कि यहाँ पे ए स्क्वायर पी स्क्वायर है. नेक्स्ट टर्म में दिख रहा है 2abp और यहाँ पे दिख रहा है मुझे बी स्क्वायर. तो कहीं ना कहीं अगर मैं इन सबको थोड़ा सा अलग अलग कंबाइन करने की कोशिश करूँ तो शायद हम कुछ होल स्क्वायर टाइप का बना पाएंगे, होल स्क्वायर टाइप का बना पाएंगे. चलो लेट अस सी व्हाट डू वी गेट. तो मैं इसको सिर्फ अलग से ओपन कर रहा हूँ. देखो फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर पी स्क्वायर. ये वाला टर्म कितना हो गया बच्चे, दैट इज ट्वाइस ऑफ ए बी इंटू पी. और यहाँ से ये मैं बी स्क्वायर वाले टर्म को इधर लिख रहा हूँ. ठीक है, बी स्क्वायर वाले टर्म को इधर लिख रहा हूँ. मैंने क्या किया फिर से बताता हूँ. मैंने एक टर्म ये वाला लिया, एक टर्म ये वाला लिया और एक टर्म ये वाला लिया. अब क्या करूँगा, अब ऐसे ही सेकेंड टर्म की तरफ मूव करता हूँ. आइए देखते हैं कितना आ रहा है. ये मेरे पास आ जाएगा बी स्क्वायर पी स्क्वायर एंड दैट वुड बी माइनस ट्वाइस ऑफ बी सी इंटू पी. राइट, ये वाला पी अंदर मल्टीप्लाई भी होगा ना, दिस पी वुड बी मल्टीप्लाइड. राइट, जस्ट द वे इट वाज डन हेयर. ओके, एंड फिर यहाँ से क्योंकि मेरे पास सी वाला टर्म आ रहा है तो मैं यहाँ से सी स्क्वायर होगा. ठीक है, और एक तीसरी चीज़ भी जो बन रही है वो क्या बन रही है, दैट इज सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ सी डी सी प्लस बी स्क्वायर. एंड आई हैवंट चेंज द एक्सप्रेशन, आई हैव जस्ट रिटन इट इन अ डिफरेंट ऑर्डर, दैट्स ऑल. दिस इज लेस देन इक्वल टू जीरो. एंड बाय राइटिंग इन दिस मैनर व्हाट हैव आई डन, आई हैव ट्राइड टू कन्वर्ट थिंग्स इनटू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, which I'm pretty sure you know that it is equal to a minus b whole square. ठीक है, तो ये वाली चीज देखो, ये a square p square है, ये b square है और ये क्या है, twice of a b p. right, exactly वही वाली चीज है जब हम इसको a minus b के whole square में लिखेंगे. यानी this particular thing can be written as what, this would be written as a p minus b का whole square. similarly the second bracket could be written as bp minus c whole square and the third bracket could be written as cp minus d whole square and as per the question this is less than equal to zero. but our common sense says that the square of anything can never be less than zero. aur yahan pe kya hai, hamare paas teen square hai, unka sum hai.
तो तीन स्क्वायर का सम कभी भी लेस देन जीरो तो हो ही नहीं सकता। इन द वर्स्ट केस क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू जीरो। इन द वर्स्ट केस दैट वुड बी इक्वल टू जीरो, एंड इवन दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन दे आर इंडिपेंडेंटली जीरो, है ना। किसी भी तीन चीजों का स्क्वायर अगर जीरो के इक्वल है सम, दैट मीन्स क्या है, वो इंडिपेंडेंटली जीरो के इक्वल है, ठीक है। तो इतनी सी लॉजिकल रीजनिंग वाली बात अगर आपको समझ में आती है तो इस क्वेश्चन में थिंग्स आर डन। आओ देखो क्या हो गया। अब ये इसको तुमने जीरो किया, ए पी माइनस बी को तुमने जीरो किया, तो यहाँ से तुम इसका क्या कंक्लूजन ड्रॉ करोगे। यू कैन से दैट पी इज इक्वल टू बी ओवर ए, पी इज इक्वल टू बी ओवर ए। सिमिलरली व्हेन यू लुक इनटू द सेकेंड एक्सप्रेशन यू गेट पी इज इक्वल टू सी ओवर बी, P is equal to C over B. And when you look into the third expression and you equate it to zero, you get P is equal to B over C. So, ye tino expression, tumhe final conclusion pe kya batate hain beta? They tell you that B over A is equal to C over B is equal to D over C. And that is ultimately equal to what? P. Don't you think they are the ratios? Do consecutive terms ke ratio lagatar, right? First term, second term by first term. Third term by second term, fourth term by third term, all of them are equal. What can you say very confidently? That yes, A, B, C, D, they are what? They are in GP, geometric progression. That's all. Right, agar aap itni si baat properly express kar dete hain, hence you have proved that yes, A, B, C, they are in GP. Again, if that is understood, quickly type U or type R. Agar samajh na aa gaya to U likho, aur nahi samajh mein aaya to R likho. Do it faster. Okay, I'll repeat. No problem. देखो भाई, before I repeat, I'll give you a question. For those जिनको समझ में आ गया है, please look into this question. फटाफट से इसको try करो. 15th question मैं repeat कर रहा हूँ, but उससे पहले आप इस question का data note कर लीजिए और आप इसको try कीजिए. Okay, let me repeat this for one of you. सी चिल्ड्रेन, बेटा इसमें आपको क्या दे रखा है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये लेस देन इक्वल टू जीरो है. तो अब तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा कि लेस देन इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे एक्सप्रेशन में हर जगह पे स्क्वायर दिख रहा है. तो मैंने इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश की. ए स्क्वायर पी स्क्वायर यहाँ से मैंने लिया, ठीक है. माइनस टू ए बी यहाँ से पिक किया है, माइनस टू ए बी इन टू पी, पी भी है ना, माइनस टू ए बी पी, और बी स्क्वायर यहाँ से लिया. सिमिलरली मैंने तीनों टर्म्स को सेग्रीगेट कर लिया, इस हिसाब से किया ताकि मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकूं. तो ये क्या बन गया तुम्हारे पास, इसको तुम क्या लिख सकते थे, ए पी का होल स्क्वायर लिख सकते थे, ठीक है. एंड दिस पार्टिकुलर टर्म ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए पी इंटू बी हो जाएगा, और ये कितना है, बी स्क्वायर. ये कौन सा एक्सप्रेशन है बेटा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म. सो व्हाट इज दिस, इसका होल स्क्वायर, ठीक है. यस सर. तो ये वाली चीज होल स्क्वायर हो गई, होल स्क्वायर हो गई, होल स्क्वायर हो गई. तीन चीजों का सम होल स्क्वायर का इन्होंने बोल रखा है एज पर द क्वेश्चन लेस देन इक्वल टू जीरो. तो ये बात तो हमें पता है, किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, या तो जीरो होता है या फिर ग्रेटर देन जीरो होता है, नेगेटिव कभी भी नहीं होगा ना. अगर ये रियल नंबर्स हैं तो स्क्वायर उसका हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट. इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होता है, बट ये दे रखा है, दे हैव गिवन दैट दे आर रियल नंबर्स. As their real number, square of any real number can never be negative. और क्योंकि ये less than zero दे रखा है, इसका क्या मतलब है? That they have to be independently equal to zero. तो हमने इसको zero से equate किया, यहाँ से AP minus B is equal to zero. तो P कितना आ गया? B by A. Similarly, यहाँ पे P is equal to C by B, P is equal to D by C. इन तीनों conclusion को हमने एक साथ रखा, because सब कुछ equal to P है. तो conclusion क्या आया? This is the conclusion. Right? अब आप ध्यान से देखें, तो A, B, C, D आपको GP में prove करना था. तो B by A is equal to C by B is equal to D by C. ये तो ऑलरेडी आ चुका है. तो ये क्या है, दैट इज द कॉमन रेशियो, एंड इट इज व्हाट, इट इज अ जीपी. ऑलराइट, लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फास्टर. आई विल वेट फॉर 30 सेकंड्स, गिव मी 30 सेकंड्स. ट्राई करो इसको. Well, okay. So, let us see what do we have in this question. आइए फटाफट से करते हैं. Done. Okay. Wonderful, Anushka. That's wonderful. You can try the next one, Anushka. You can try this one.
17th question, if you are done, right? I always want that my students should be busy, right? I never want to keep you free. So please try this question till the time I discuss the previous one. Okay, I'll discuss this one quickly. Let's see. हमें ये प्रूव करना है दैट ए बी सी डी इज इन जी पी. कोई बात नहीं, आओ देख लेते हैं. ये मेरे पास एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, ए प्लस बी एक्स ओवर ए माइनस बी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस सी एक्स ओवर बी माइनस सी एक्स. अभी मैं सिर्फ इन दो को कंसिडर कर रहा हूँ, थर्ड को मैं अभी नहीं कंसिडर कर रहा. अब जैसे ही मैं इस तरह की एक्सप्रेशन देखता हूँ ना, मुझे बचपन में पढ़ी हुई एक बात याद आती है कि अगर आपके पास कभी भी कोई चार चीज़ें प्रोपोर्शनल हैं, ये तुमने पता नहीं शायद थर्ड फोर्थ क्लास में पढ़ी होगी, ए इज़ टू बी इज़ प्रोपोर्शनल टू सी इज़ टू डी. जब आपने रेशियो और प्रोपोर्शन पहली बार पढ़ा होगा ना लोअर क्लासेस में, तो आपने ये पढ़ा होगा. ठीक है, सो वेन एवर डन, शाबाश अर्पित, वेल डन. वेन एवर ए इज टू बी इज प्रोपोर्शनल टू सी इज टू डी, तो मैथमेटिकली से क्या मतलब होता है, दैट ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी. एंड देर इज अ प्रॉपर्टी दैट यू स्टडीड अर्लियर दैट इज कॉल्ड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. काफ़ी काम की प्रॉपर्टी है, बहुत सारे जगह पे ये यूज होती है, 11th और 12th क्लास में, जेई में, कई जगह पे. पढ़ते तो बहुत छोटे क्लास में है, बट इसकी यूसेज आगे भी है, राइट, इवन आफ्टर क्लास 12th. तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. तो इफ दिस इज द केस, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो ये कहता है दैट ए प्लस बी ओवर a माइनस बी इज ऑलवेज इक्वल टू सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी. दिस इज वेयर दिस इज बाई अप्लाइंग वॉट, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, सी एंड डी. जैसे ही मुझे एक्सप्रेशन इस फॉर्म का दिखा तो मुझे ध्यान आया, अच्छा ये तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लग रहा है. ठीक है, तो मैं इस केस में अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ये लिखूंगा. अब देखो ये बेसिक नॉलेज थी जो तुम्हारे पास होनी चाहिए थी, नहीं थी तो लिख लो, मैंने इसीलिए बताया, और अगर थी तो बहुत अच्छी बात है, दैट्स वेरी गुड. मेरी हैबिट है कि मैं कोई भी चीज़ डायरेक्टली नहीं बताता हूँ, मैं उसके बेसिक के साथ आपको बताना चाहता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स, राइट. कुछ भी रटोफाई नहीं करना है, यू डोंट हैव टू रटना एनीथिंग, कुछ भी क्रैम नहीं करना, ओके. नथिंग हैज़ टू बी क्रैम्ड इन मैथमेटिक्स. सो यू आर अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, राइट. सो दिस इज द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मेरे पास ए प्लस बी एक्स प्लस द डिनोमिनेटर, राइट, जो भी था ना, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो प्लस द डिनोमिनेटर a माइनस बी एक्स. सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर माइनस द डिनोमिनेटर, राइट, माइनस द डिनोमिनेटर. एंड इफ यू विल बी डूइंग द सेम थिंग इन द न्यूमरेटर इन ऑन द राइट हैंड साइड, तो मैं इसमें स्ट्रेट तुम्हें को इस बात पे लाना पड़ूंगा कि ये देखो ये माइनस बी एक्स कैंसिल होने वाला है, ये प्लस a माइनस a कैंसिल होने वाला है. सिमिलरली जब तुम राइट हैंड साइड पे ऐसी ये एक्सप्रेशन ये लिखोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा, तुम्हारे पास सी एक्स और सी एक्स कैंसिल होगा और ऊपर कितना बचेगा, ट्वाइस ऑफ बी बचेगा. नीचे क्या आएगा तुम्हारे पास, ट्वाइस ऑफ सी एक्स आएगा. ठीक है, और यहाँ तुम अगर ध्यान से देखो तो तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे कितना आने वाला है बेटा, ट्वाइस ऑफ ए ओवर ट्वाइस ऑफ सी एक्स. सो दैट इज वॉट यू वुड बी लेफ्ट विथ, ट्वाइस ऑफ सी एक्स. ये टू टू तो भाई सब जगह पे कैंसिल हो गया, दैट इज गॉन, ओके. और तुम्हारे पास ये x भी कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास बचता क्या है, ध्यान से देखो तुम्हारे पास बच रहा है a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी, राइट. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट एंड आई होप यू हैव डन दैट बेसिक थिंग इन योर नोटबुक. सो आई एम रेजिंग इट फ्रॉम हेयर, इफ यू वॉन्ट टू टेक अ स्क्रीन शॉट यू कैन, आई वेट फॉर 3, 2, 1 सेकेंड, राइट, आई एम रेजिंग इट. तो देखो ये वाली चीज़ तुम्हारे पास आ गई, राइट, एग्जामिनेशन में और आंसर शीट में किस तरीके से लिखोगे, दैट इज हाउ यू विल बी डूइंग ऑल दैट. एंड देन यू कैन राइट सिमिलरली बी प्लस सी डी ओवर बी माइनस सी डी इज इक्वल टू सी प्लस डी एक्स ओवर सी माइनस डी एक्स वुड गिव अस b upon c is equal to c upon d. From equation 1 and 2 we can say that a by b is equal to b by c is equal to c by d. Now what is that, kabhi bhi consecutive terms ka ratio agar equal hai, that is only possible when those terms are in cp, hence proved. Okay children, again if it is okay just type okay
else type are. Do it fast. Quickly type okay or are. चलो वंडरफुल, बहुत बढ़िया, शाबाश, दैट्स फाइन. आई हैव रिसीव्ड ऑल ओकेज, नो आर, सो आई प्रोसीड अहेड. ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं. एंड ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन हमने कल किया था, सो लीव इट टू यू. ट्राई करना, अब ऐसी कोई चीज़ तुम्हें मिलेगी नहीं जो तुम ना कर पाओ. ठीक है, मेरे ख्याल से यू आर इक्विप्ड विद एवरीथिंग नाउ. नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी. Very basic and very important thing. Again, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, पीछे के कॉन्सेप्ट से चीज़ों को रिलेट करते हैं. तुमने ये वाला कॉन्सेप्ट एपी में भी किया था, राइट? क्या था? अगर मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते थे या फिर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते थे, तो हमारे पास चीज़ों को सेलेक्ट करने का एक तरीका था ना. क्या था? अगर ऑड थे तो मैं मिडिल टर्म से शुरू करता था, और लेट्स से मेरे पास तीन है तो मैं क्या करता था, ए प्लस डी करता था एक बार, और a माइनस डी करता था. हर्ष याद है? अगर फाइव टर्म्स हैं तो क्या हो जाता था, a प्लस, जितने टर्म्स सब ऐड करेंगे उतने ही टर्म्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट? यहाँ पे क्या हो जाता था, a प्लस टू डी एंड a माइनस टू डी, a माइनस टू डी. और ऑड वाले केस में मेरे पास जो कॉमन डिफरेंस आता था, हर केस में कॉमन डिफरेंस कितना होता था बच्चों, दैट वॉज d. आई होप यू रिमेंबर दैट, राइट? I just hope that you remember that. Rest, you better know that. Right? तुम्हें बेहतर पता होगा कि तुम्हें वो याद है कि नहीं. ठीक है? But yes, you just did it, I think, around 5-4-5 days back. GP से just पहले आपने, AM से just पहले आपने इस बात को पढ़ा था. ठीक है? अगर number of terms even होते हैं तो क्या था? तो इस केस में हम लोग कैसे शुरू करते थे? हमने दो middle term लेना होता था. एक A minus D और एक A plus D. अगर हमारे पास चार terms हैं, तो ठीक है. अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा, कॉमन डिफरेंस इफ यू सब्सट्रैक्ट दीज टू टर्म्स आपस में तो कितना आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, दैट इज ट्वाइस ऑफ टी. तो ये चीजें कुछ सीखने वाली थी. ये मेरे पास आएगा ए माइनस डी, ये आएगा ए प्लस डी, और जब इसमें आगे बढ़ते जाएंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस थ्री डी, और जब पीछे हटोगे तो ए माइनस थ्री डी. एंड दैट इज हाउ यू कैन प्रोसीड. अगर सिक्स टर्म्स होंगे तो ए माइनस फाइव डी और ए प्लस फाइव डी एड हो जाएगा. ठीक है, दैट इज वॉट यू डिड इन ए पी. ओके, यू विल बी डूइंग अ सिमिलर थिंग इन जी पी एज वेल. जिसने ये चीज़ नहीं की थी, आई थिंक उन्होंने ये लिख लिया होगा, और अगर नहीं लिखा है तो स्क्रीन शॉट तो जरूर से ले लिया होगा, ताकि क्लास के बाद तुम इसको ध्यान से रख सको. ठीक है, ऐसा हम क्यों करते हैं ये भी मैं आपको बताया था कि भाई कभी भी ऐड करो तो सारी डी चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं, है ना, और कैलकुलेशन ईजी हो जाती है. ओके, दैट इज द रीज़न ऐसा क्यों करते हैं. चलो आई गेट बैक टू, आई स्टार्ट विद जी पी नाउ. Now, अब क्या है, जब अगेन यहाँ पे भी ऐसी आप कैटेगराइज करोगे कि अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं या फिर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो आप अकॉर्डिंगली चीज़ों को लोगे. जैसे अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो मिडिल टर्म ए ले लेना. अब वहाँ पे कॉमन डिफरेंस ऐड होता है, सब्सट्रैक्ट होता है, और यहाँ पे कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई होती है, डिवाइड होती है, है ना. तो नेक्स्ट टर्म मैं क्या लूँगा, ए आर, और इसका प्रीवियस टर्म क्या लूँगा बच्चों, ए बाई आर. ठीक है, कॉमन रेशियो कितना होने जा रहा है यहाँ पे, आर. ठीक है, किसी भी दो कंजेक्टिव टर्म्स को आप डिवाइड करोगे कितना आएगा तुम्हारे पास, आर आएगा. राइट, दिस टर्म ओवर दिस टर्म विल बी व्हाट, आर. अगर मेरे पास फाइव टर्म्स हैं, आई हैव फाइव टर्म्स, राइट, थ्री टर्म्स है तो ऐसा हो गया, अगर फाइव टर्म्स हैं तो क्या हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है. हमें क्या करना है, हमें इसमें एक टर्म आगे बढ़ जाना है और एक टर्म पीछे हट जाना है, एंड सो ऑन. If we have seven terms, एक term आगे बढ़ जाओ, एक term पीछे हट जाओ. इससे benefit क्या है, why are we doing this? It is exactly the same benefit. Whenever you will be multiplying all of them, the r thing will be gone. This r cube and this r cube would be gone, r square would be gone, r r will be gone. You will be getting straight term, that is a. यहाँ से तुम्हें एक variable की value पता लग जाएगी, that is the reason. जब इवेंट टर्म्स होंगे तो क्या करो, कैसे स्टार्ट करोगे, बिल्कुल वैसे जैसे तुम वहां पे एपी में स्टार्ट करते थे. अब यहाँ पे दो मिडिल टर्म लेना, एक लेना ए आर और एक लेना ए अपॉन आर. ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, जब आप दिस अपॉन दिस करोगे तुम्हारे पास यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा. क्योंकि आर स्क्वायर है तो नेक्स्ट टर्म यहाँ पे कितना होगा बच्चों, ए आर क्यूब, और इसके पीछे क्या हो जाएगा, ए ओवर आर क्यूब,
एंड यू विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ठीक है, इस तरीके से आप आगे चले जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट टर्म लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, ए आर रेस टू द पावर 5, और इससे प्रीवियस टर्म लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ए आर रेस पावर 5, ठीक है। तो अगर आपको इतनी छोटी सी बात अगर समझ में आ गई है तो आई थिंक इट्स टाइम टू लुक इनटू सम गुड क्वेश्चंस, ठीक है, गुड एंड ईजी क्वेश्चंस, राइट, दैट इज व्हाट यू विल बी फाइंडिंग इन द सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ आर डी शर्मा, ठीक है। आओ देखते हैं, एक दो क्वेश्चंस कर डालते हैं और उससे थोड़ा सा क्या होता है, आपको पता लग जाता है कि पैटर्न क्या रहने वाला है। तो मैंने रैंडमली कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट कर रखे हैं, राइट, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ये बात आप पहले भी जानते हो, ठीक है। तो आओ पहले कुछ कोई भी क्वेश्चन आप बोलो, वो वी कैन डिस्कस दैट। आओ पहले थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स इज 13/12, जीपी के तीन टर्म्स का सम कितना दे रखा है, 13/12 दे रखा है, एंड देयर प्रोडक्ट इज -1, फाइंड द जीपी। जीपी का मतलब क्या हो गया, हमें वो तीनों टर्म्स चाहिए। तो एज यूजुअल थ्री टर्म्स हैं, तो हमारा हमारे दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, क्या कि टर्म्स कैसे होंगे, ए ए आर, और पहला टर्म क्या होगा, ए अपॉन आर, ठीक है। अब जैसे ही मैं किससे स्टार्ट करूंगा, हमेशा प्रोडक्ट से स्टार्ट करूंगा, क्यों, क्योंकि दे रखा है द प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1, द प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1, इससे फायदा क्या हुआ, दिस आर इज गॉन एंड आई गेट ए क्यूब इज इक्वल टू -1, सो आई गेट द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू -1। सबसे पहले तो मुझे ए की वैल्यू पता लग गई, ठीक है। अब इसके बाद वो जो भी कह रहे हैं उसमें मुझे कोई टेंशन नहीं होने वाली है, क्या कह रहे हैं, दे आर सेइंग अबाउट द, दे आर टॉकिंग अबाउट द सम, सो व्हाट इज द सम चिल्ड्रेन, इट इज ए बाई आर प्लस ए प्लस ए आर, एंड दैट इज एज पर द क्वेश्चन इज इक्वल टू 13/12। मैं यहाँ पे ए की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करूंगा, ठीक है, आई एम पुटिंग -1 हेयर, बिकॉज जो भी चीज़ पता लग गई है उसको हम लोग वी मस्ट यूज इट नो, तो मैं इसको -1 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ माइनस आर रह जाएगा, ओके। और दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इक्वल 13/12, तो क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, वाई नॉट, इस -1 को उठा करके पहले तो मैं इधर ले आऊंगा, तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड पे क्या रह गया, लेफ्ट साइड पे मेरे पास माइनस साइन है, ये मेरे पास 1/r है और ये मेरे पास r है, और राइट साइड पे कितना आ गया, 13/12, दैट इज 25/12, दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग ऑन दी राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे मैं इसको सिंपल, जैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप डील करते हैं वैसे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करते हैं, कितना हो गया ये, 1+r² / r, और यहाँ पे माइनस साइन है, इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो बस सिंपल ये सॉल्व करना है, आई डोंट थिंक इसमें कहीं भी थोड़ी भी परेशानी होने जा रही है आप में से किसी को भी। अगर आप चाहो तो इस माइनस साइन को इधर ले लो, राइट, लेट अस मेक इट -25/12, ठीक है, और अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या बन रहा है, लेट अस सी दैट। आइए मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ इसको, तो 12 को मैं इधर लेके आया, तो ये हो गया 12+12r² एंड दैट इज इक्वल टू -25r। इट्स अ सिंपल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, कितना बन रहा है ये, 12r² -25r, जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, दैट विल बी +25r, और जो कांस्टेंट टर्म है ये कितना आ रहा है मेरे पास, ये भी +12 आ रहा है, ठीक है। क्या इस तरह के क्वेश्चन को हमें फैक्टराइज करना आता है, आना चाहिए, यू मस्ट नो। 12 × 12 कितना होता है बच्चों, 144 होता है, यानी इसको जब मैं ब्रेक करूंगा तो मुझे 144 मिलना चाहिए, 144। अब देखो कुछ टेबल्स वगैरह तो याद होने चाहिए यार, जैसे मैं इसको 16r और 9r में ब्रेक करूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे ध्यान आता है कि 16 × 9 = 144 होता है, ठीक है। तो ये बेसिक बातें तो आपको भी समझ में आनी चाहिए बच्चों, राइट, ये सब वो चीज़ें हैं जो तुमने शायद पता नहीं 7th 8th क्लास में की होंगी या 9th में की होंगी, ऐसी चीज़ें कई बार तुम कर चुके हो, अगर तुमने अभी तक ध्यान से नहीं किया था तो आई थिंक इट इज़ द टाइम व्हेन यू शुड डू इट, ओके। यहाँ पे मैं क्या कॉमन लेने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं 4r कॉमन ले रहा हूँ, क्या बचने वाला है बेटा, थ्राइस ऑफ r प्लस 4। यहाँ पे मैं क्या कॉमन लूंगा, यहाँ पे मैं 3 कॉमन लूंगा, क्या बचने जा रहा है, 3r एंड दैट इज सडनली 4। तो देखिए आपके पास यहाँ पे बहुत आसानी से दो वैल्यू निकल के आती है, एक हो जा रहा है 3r प्लस 4 एंड दी अदर इज 4r प्लस 3, ईदर ऑफ देम इज इक्वल टू 0, दोनों में से कोई एक चीज़ कम से कम 0 होगी, ठीक है। अगर मैं इसको इरेज कर दूँ कैलकुलेशन, अगर आपने लिख लिया तो, नहीं लिखा है तो स्क्रीन शॉट ले लो भाई, 3, 2, 1 ले लिया, चलो देखते हैं। सो जब आप इसको 0 से इक्वेट करने जा रहे हो तो r की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ईदर इट इज -4/3 और इट इज -3/4,
ठीक है, आर की वैल्यू या तो ये है या फिर ये है। और आपको शायद ध्यान होगा कि आपने ए की वैल्यू माइनस वन ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है, ठीक है, ए की वैल्यू आपने माइनस वन ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है। आपको क्या लिखना था, फाइंड द जीपी, यानी आपको वो सीरीज लिखनी है। तो हो गया ना, माइनस वन तुमने यहाँ रखा, ठीक है, मान लो तुमने कॉमन रेशियो ये ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए इंटू आर, तो कितना हो गया बेटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और इससे प्रीवियस टर्म क्या हो जाएगा, दैट विल बी ए अपॉन आर, तो माइनस अपॉन माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये रेशियो जब ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी बेटा, दैट विल बी 3/4। तो अगर आप माइनस 4/3 को लेते हो तो आपके पास दिस इज द जीपी दैट यू आर गेटिंग, एंड इन केस यू कंसीडर द अदर थिंग, इट वोंट गिव यू एनीथिंग डिफरेंट, सिर्फ इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। कौन से थ्री टर्म्स आएंगे, देखो यहाँ थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा कर देता हूँ, आई विल चेंज द कलर, राइट। तो माइनस वन तो सेम ही रहेगा, अगर तुमने माइनस 3/4 लिया तो ये 3/4 यहाँ आ जाएगा और 4/3 यहाँ आ जाएगा। क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें, नॉट एट ऑल, ये तीनों टर्म्स एग्जैक्टली सेम है, जिस डेट तुम्हें इस फॉर्म में यहाँ पे लिखा है और यहाँ तुमने इसका ऑर्डर रिवर्स कर दिया। सो दैट शुड बी दी आंसर, आई होप दैट इज ओके। इफ दैट इज ओके जस्ट टाइप एफ ए बी इन द कमेंट बॉक्स, इफ दैट इज नॉट ओके टाइप आर, ईदर यू आर टाइपिंग एफ ए बी और यू आर टाइपिंग आर, डू इट फास्ट। गुड इनफ, wonderful, I haven't got any R from you, so I'll move on to the next question, okay? See children, it is very important to discuss the concept, understand the concept, and then it is equally important to do some good questions on the same concept, ठीक है? So 20.2 में आपके पास एक question मैं और discuss करता हूँ, let's say question number 8, ठीक है? आइए 8 question discuss करते हैं, और उसके बाद फिर हम next concept की तरफ move करेंगे, that is sum of first 10 terms. ठीक है, उसके बाद हम इस पे मूव करेंगे। आइए पहले क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कैसे डील करना है इसको। तो फाइंड थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी हुज प्रोडक्ट इज, अब जैसे देखो तो जैसे थ्री टर्म बोलते हैं ना तो मेरे दिमाग में तो सीधा ही ये आता है कि थ्री टर्म्स क्या हैं, ये हैं, दीज आर द थ्री टर्म्स। और प्रोडक्ट बोलते हैं तो फिर तो कुछ करना ही नहीं होता भाई, प्रोडक्ट जैसे ही बोलते हैं ना फिर तो कुछ नहीं करना होता। दिस इज 729, दैट मीन्स ए क्यूब इज इक्वल टू 729, और 729 पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं, बट मुझे तो ध्यान रहता है, इट इज 9³। व्हाट इज दैट, इट इज 9³। सो यू गेट टू नो दैट ए इज इक्वल टू 9। अब देखो यार, थोड़ी कैलकुलेशन तो अच्छी रखनी पड़ेगी ना तुम्हें, स्पेशली इफ यू आर फोकसिंग ऑन सम हायर लेवल कॉम्पिटिशन, तो इस तरह की बातें तो तुम्हें माइंड में एकदम, 7 इज वॉट, इज 9³, ये सब बातें एकदम एकदम से आनी चाहिए, राइट। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दोज थिंग्स, एंड इफ यू आर नॉट यू मस्ट राइट देम डाउन एंड यू शुड डिस्कस देम अगेन, ओके। तो ये कुछ बेसिक कैलकुलेशन चीज़ें हैं जो कि आपकी स्पीड को काफ़ी इन्हेंस कर देती हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन पेयर्स इज 819। अब ये बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर्स, राइट, पेयर्स में जो है दैट इज 819, ठीक है। तो हमें अब क्या चाहिए अल्टीमेटली, देखो अगर हम सोचें तो हमें तो सिर्फ आर की वैल्यू चाहिए ना, और ऑब्वियसली बात है जो उन्होंने दे रखा है वहीं से निकालेंगे। तो प्रोडक्ट लेते हैं, राइट, हमने इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, क्या मिला मुझे, ए स्क्वायर बाई आर मिला। फिर हमने इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, इससे क्या मिल गया बेटा, इससे मुझे मिल गया ए स्क्वायर आर, आई होप यू आर ओके विद दैट। और फिर मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, इससे मुझे क्या मिल गया बच्चे, दैट इज ए स्क्वायर। एज पर द क्वेश्चन दिस इज इक्वल टू 819, कितनी वैल्यू दे रखी है ये, 819 दे रखी है, ठीक है। अब इसमें मैं इसको डील करने के लिए क्या करूँगा, मैं सबसे पहले तो इस ए स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लूँगा और उसकी वैल्यू 9 पुट कर दूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है ना, तो अननेसेसरली मैं चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कभी भी नहीं रखूँगा। जहाँ पे भी जो भी वैल्यू मुझे मालूम है, आई वुड लाइक टू रिप्लेस इट विद द वैल्यू, इज 819 और ए स्क्वायर की वैल्यू 9 है। अगर तुम इसको इधर लेके आते हो तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, दैट विल बी 81। आप इजीली ऊपर और नीचे 9 से कैंसिल कर सकते हैं, दिस इज व्हाट 9 एंड दिस वुड बी व्हाट, दैट वुड बी परहैप्स 91, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है आपके पास, ये कितना आ रहा है बेटा, 91 अपॉन 9 आ रहा है, राइट। यहाँ क्या रह गया, 1/r, r एंड 1, इस 1 को भी उठा के क्यों ना हम लोग इधर ले आए, क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। कितना आ गया बच्चे, इट इज 91 माइनस 9 अपॉन 9, 91 माइनस 9 इज व्हाट, दैट इज कमिंग आउट टू बी 82,
तो ध्यान से देखो क्या रह गया तुम्हारे पास। तुम्हारे पास ये लेफ्ट साइड में रह गया 1/r + r, जिसको आप लिख सकते हो 1/r² / r। और राइट साइड पे तुम्हारे पास कितना आ गया, इट इज 82/9। आई होप यू आर ओके विद द कैलकुलेशन। मतलब इसमें कुछ खास है नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है जिसपे आपको, वो जिस कसौटी पे वो आपको चेक कर रहे हैं, वो कसौटी कौन सी है, कैलकुलेशन की। तो इन एग्जाम्पल से आप अब कहीं ना कहीं अपनी कैलकुलेशन पे वर्क कर रहे हो, ठीक है। एंड यू सडनली डू दीज क्वेश्चन आफ्टर द क्लास, मेक श्योर यू आर डूइंग दैम, एंड वेर एवर यू आर स्टक इन, वेर एवर यू हैव एनी डाउट, यू मस्ट गेट बैक टू मी, ओके। चलिए देखते हैं, इसको मैं रेज कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड सो दैट आई कैन गेट द फाइनल कैलकुलेशन, ओके। आई विल डू इट फॉर यू। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। किसी कोई बहुत अच्छा गाना गा रहा है, समवन इज अनम्यूटेड और वो काफ़ी अच्छा गाना गा रहा है, राइट। कभी कभी मैं सिंगिंग कॉम्पिटिशन रखूँगा, राइट, आई विल कीप इट फॉर यू, ताकि आप जो है बढ़िया बढ़िया गाने हम लोगों को सुनाएं। आई थिंक दैट वॉज हर्ष, मुझे पता नहीं था तुम अच्छा गाना गाते हो यार। नो सर, मेरा तो ऑफ है। अच्छा 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 तुम्हारा ऑफ था, तो कौन था, हु वाज दैट? चलो हूएवर, कोई भी था, मैं चेक कर लूंगा, रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं देख लूंगा, क्लास के बाद चेक करके बताऊंगा। जिसने भी गाया है उसको गाना गाना पड़ेगा, ध्यान रहना, ठीक है। तो अब ये 9 9 कितना हो गया, 81, ठीक है। तो ये 9r² और ये 82 को मैं कैसे लिखूं बेटा, मैं इसको लिखने जा रहा हूँ -81r - r, ठीक है। तो ये हो गया ना 82, ओके, और ये आ गया तुम्हारे पास 9। अब इसमें बिना किसी टेंशन के फटाफट से बस कैलकुलेशन करनी है। ऐसी कैलकुलेशन में अपने आप को हमें कंफर्टेबल ज़रूर से बनाना पड़ेगा बेटा, कोई चॉइस नहीं है। ये वो चीज़ें जो आप छोटे क्लास में करके आए हैं, आई होप मोस्ट ऑफ यू आर ऑलरेडी कंफर्टेबल, बट इन केस यू आर नॉट, यू मस्ट प्रैक्टिस देम टू मेक योर सेल्फ कॉम्फर्टेबल, राइट। बिना कैलकुलेशन के तो बात नहीं बनेगी ना। तो यहाँ से देखो आर की दो वैल्यू आ रही है भाई, एक आ रही है 9 और दूसरी आ रही है 1/9। सो आई थिंक द क्वेश्चन इज डन, राइट। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ ए, ए वाज 9। आपसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में टू टेल व्हाट आर द टर्म्स, तो हो गया ना। एक तुम्हारे पास बिन मिडिल टर्म तो 9 था, इसके बाद वाला टर्म क्या हो जाएगा, 9 × 9 विच इज 81, और इसके वाला टर्म क्या हो जाएगा, 9/9 दैट इज इक्वल टू 1। अगर तुम 1/9 को लेते हो तो यही ऑर्डर आपका रिवर्स हो क्या जाएगा, मतलब इन दैट केस यू विल गेट व्हाट, 81, 9 and 1। सो दैट इज ऑल द सेम, आई होप दैट इज ओके चिल्ड्रन। इफ येस, जस्ट टाइप येस इन द कमेंट बॉक्स एंड देन आई प्रोसीड विद द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ सम ऑफ एंड टर्म्स, दैट सडनली इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। वी हैव 10 मिनट्स एंड 10 मिनट्स वुड बी एनफ टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट। Anushka has said yes, Arpita has said yes, her Ankita has said yes, Harsh has said yes. What about others? Vaibhav, Utkarsh, Manan, do it fast. Okay, fine. Chalo dekho, start karte hain. Let us start with the new concept, right? That is sum of n terms. As usual, I would like to discuss it in detail, right? मैं हमेशा आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, यहाँ पे भी हम यही कोशिश करेंगे। देखिए सम ऑफ एन टर्म्स जब आप जीपी का देखते हैं, राइट, ऑफ अ जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो आपको इतनी बात तो पता है कि एस एन होगा क्या, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन टिल वेयर एनथ टर्म। व्हाट इज द एनथ टर्म, ए आर रेज़ टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है, ए आर रेज़ टू द पावर एन माइनस वन। अब जब तुम इसका फॉर्मूला बुक में देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हें, ए इज इक्वल टू 1 - r^n / ((1 - r)। दैट इज द फॉर्मूला दैट यू विल बी गेटिंग, बट हमें तो प्रूव करना होता है ना। हम लोग तो कभी कोई फॉर्मूला ऐसे स्ट्रेट अवे रटने के मूड में कभी होते नहीं है, हमें हर चीज़ को सीखना होता है, राइट, वी नीड टू लर्न इट एंड दैट सर्टेनली इज अ वेरी वेरी गुड हैबिट। तो मैं इसको यहाँ पे जो हमें प्रूव करना है मैं आपके लिए इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। स्कूल एग्ज़ाम में प्रूव हम लोग क्यों करते हैं, राइट, व्हाट इज़ द पर्पस? एक तो ये कि स्कूल एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ देते हैं प्रूफ, दूसरा रीज़न ये है कि उससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती है। जब तुम्हारे पास अच्छे क्वेश्चन आते हैं ना जो डायरेक्टली फॉर्मूला से सॉल्व नहीं होते हैं, तो उनको वही बच्चे कर पाते हैं जो उसके प्रूफ को समझते हैं, डरते नहीं हैं, जो उस प्रूफ को समझते हैं वो बच्चे उन अच्छे क्वेश्चंस को जो फॉर्मूला पे बेस्ड तो हैं बट डायरेक्टली फॉर्मूला पे अप्लाई नहीं हो रहे, उन क्वेश्चंस को वही बच्चे कर पाते हैं, ठीक है। तो माइट बी ऐसे क्वेश्चंस की टर्न कल आएगी, कल हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर पाएंगे।
आज हम पहले इसके प्रूफ को इन डिटेल समझना चाहेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, दिस इज Fn दैट यू नो, एंड यहाँ से हमें इस पॉइंट तक पहुँचना है, ठीक है। हमें इस पॉइंट तक पहुँचना है, इसलिए कैसे पहुँचेंगे, बहुत आसान है, कोई टेंशन नहीं है। देखो कैसे पहुँचोगे, क्या करो, मल्टीप्लाई विद R ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे R से मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आर एस एन, ठीक है, आर टाइम्स एस एन, और ये ए आर हो जाएगा। तो मैं इसको ए आर के नीचे लिख देता हूँ, इसमें आर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, एक एक टर्म राइट साइड को एडजस्ट होता चला जाएगा, दैट विल बी ए आर एस की पावर एन माइनस वन, और जब लास्ट टर्म में मैं आर से मल्टीप्लाई करूँगा तो आई एम प्रीटी श्योर यू अंडरस्टैंड दैट विल बी व्हाट, ए आर एस की पावर एन, ठीक है। अब मैथमेटिक्स को थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इसको इक्वेशन वन और इक्वेशन टू ले रहा हूँ, राइट। मैं क्या करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू सब्सट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू। सो व्हाट डू आई गेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, आई कैन टेक एस कॉमन, एस एन कॉमन, एंड आई गेट वन माइनस आर। ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन ईजिली सी ऑल द टर्म्स वुड बी कैंसल, एवरी टर्म, सिर्फ ये फर्स्ट पॉजिटिव टर्म और लास्ट नेगेटिव टर्म रह जाएगा, यानी राइट साइड तुम्हारे पास आएगा क्या बेटा, ए माइनस ए रेस टू द पावर ए आर एस पावर एन। अब देखो बहुत इजीली तुम इस बात को समझ पा रहे हो कि एस एन की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे, ए को कॉमन ले लो, वन माइनस आर रेस टू द पावर एन ओवर व्हाट, वन माइनस आर। सो दैट इज हाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ डू वी गेट एस एन, राइट। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो अगेन टाइप एफ ए बी, नहीं तो आर टाइप करो, जल्दी करो, एक आध क्वेश्चन तो करा दूं, कम से कम एक दो क्वेश्चन हो जाए तो और मजा आ जाएगा, है ना। इट्स सर्टेनली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड टू प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट्स, राइट। उन कॉन्सेप्ट्स पे प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन करना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। मैथमेटिक्स अगर तुम इस तरीके से करने लग गए तो तुम्हें मजा आएगा, राइट, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द सब्जेक्ट। तो चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी। तो ये चीज तुम्हें समझ में आ गई। यहाँ पे देखो एक और बात मैं तुम्हें बताऊं, हालांकि ये थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव लेवल हो जाता है, लेकिन इतना भी कॉम्पिटेटिव नहीं है, राइट। दो तरह की जीपी होती है, राइट, एक को कहते हैं कन्वर्जेंट सीरीज, क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट, और दूसरे को कहते हैं डाइवर्जेंट सीरीज। वन इज कॉल्ड कन्वर्जेंट सीरीज, अदर इज कॉल्ड डाइवर्जेंट सीरीज। और कन्वर्जेंट का मतलब होता है कन्वर्ज करना, कन्वर्ज करना मतलब श्रिंक करना, राइट। डाइवर्जेंट का मतलब होता है डाइवर्ट होना, बढ़ते चले जाना, ठीक है। तो कभी भी अगर आर की वैल्यू माइनस वन से प्लस वन के बीच में है, कॉमन रेशियो अगर तुम्हारा माइनस वन से प्लस वन के बीच में है किसी भी जीपी में, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अ कन्वर्जेंट सीरीज, अदरवाइज इट इज कॉल्ड अ डाइवर्जेंट सीरीज। यानी अगर तुम्हारे पास आर की वैल्यू या तो वन से बड़ी है या फिर माइनस वन से छोटी है, तो उसको क्या बोलोगे, डाइवर्जेंट सीरीज बोलोगे, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, ओके। अब जो कन्वर्जेंट सीरीज होती है ना, जिसमें आर की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में होती है, उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास कई बार इन्फाइनाइट टर्म्स भी होते हैं, इन्फाइनाइट टर्म्स, यानी ये सीरीज चलती चली जाएगी। एग्जाम्पल देता हूँ कुछ इस टाइप की, एस इन्फिनिटी, लेट्स से दिस इज 8, 4, 2, 1, 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8। इस सीरीज को क्या बोलोगे, कन्वर्जेंट सीरीज, क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू, आर क्या होता है हमेशा, सेकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म, आर की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1 by 2 है, है ना। आई होप यू आर एबल टू लुक इन टू दीज सिंपल थिंग्स बाई नाउ, अभी तक तुम्हें ये बातें तो समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये एस इन्फिनिटी, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनाइट है, चलते ही जा रहे हैं, नेक्स्ट होगा 1 by 16, 1 by 32, 1 by 64, इट गोज ऑन एंड ऑन टिल इन्फिनिटी। सो इफ इट गोज टिल इन्फिनिटी एंड वी आर सपोज टू फाइंड वॉट इज एस इन्फिनिटी, राइट, एस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन तो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेगा, लेकिन हाँ इस कॉन्सेप्ट को हम यहीं सीखें तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो देखो तुम्हारे पास एस एन का फॉर्मूला तो है, एस एन में क्या होगा, एस एन में बस ये एन की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, है ना। एन मेरा क्या हो जाएगा, अब इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा। इन्फिनिटी क्या होती है, एक बहुत लार्ज नंबर होती है, बहुत बड़ी संख्या होती है, इट्स अ वेरी वेरी लार्ज नंबर, ठीक है।
तो जैसे ही मैं इस एस एन की बात करता हूँ जिसमें एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का सिंबल कैसा होता है, एट को ऐसे हॉरिजॉन्टल लिखो तो ये एस इन्फिनिटी बन जाता है। तो एस इन्फिनिटी की जब मैं बात करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, ए वन माइनस, और आर हमेशा क्या होता है, माइनस वन से वन के बीच में होता है बेटा। अब सपोज करो जैसे इस केस में आर कितना है मेरा, वन बाई टू है, वन बाई टू की पावर अगर मैं टू करूँगा तो ये क्या बनेगा, वन बाई फोर। अगर पावर थ्री करूँगा तो क्या बनेगा, वन बाई एट। पावर फोर करूँगा तो क्या बनेगा, वन बाई सिक्सटीन। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जैसे जैसे मैं पावर्स बढ़ा रहा हूँ ये वैल्यू क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, इट्स बिकमिंग स्मॉलर स्मॉलर एंड स्मॉलर, राइट। द वे वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एन ऑन द आर, राइट, इन द पावर ऑफ आर, क्या हो रहा है मेरे पास, आर की पावर एन ये डिक्रीज होता जा रहा है। सो व्हेन दिस आर इज, व्हेन दिस एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी हो जाएगी, आर रेज टू द पावर इन्फिनिटी, ये चीज कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ऑलमोस्ट। कब, जब आर की वैल्यू माइनस वन से प्लस वन के बीच में रहेगी तब। मेरी बात समझ पा रहे हो, जब भी कभी भी जैसे ये इसके बीच में है तो ये तुम्हारे पास ये टर्म जीरो हो जाता है, इसीलिए तुम्हारे पास एस इंफिनिटी तुम्हें बुक्स में क्या दिखेगा, ए अपॉन वन माइनस आर, राइट, दैट इज द वैल्यू ऑफ एस इंफिनिटी। एंड वंस यू अंडरस्टैंड दिस, डीलिंग विद सच क्वेश्चंस बिकम अ चाइल्ड्स प्ले। ए की वैल्यू कितनी है, एट, आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, वन बाई टू। वट इज गोइंग टू बी द आंसर, दिस इज एट, और यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करोगे वन बाई टू आएगा, टू ऊपर चला जाएगा, सर्टेनली द आंसर वुड बी वॉट, सिक्सटीन। आई होप दैट इज ओके, कैन यू अगेन रेज योर हैंड टू सिग्नल दैट यस दैट इज फाइन। हमने इस स्क्रीन पे दो चीजें सीखी हैं, फर्स्ट थिंग वॉज वॉट इज एस एन, फर्स्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, एंड द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव लर्न्ड इज व्हेन एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो उसके लिए हम सिर्फ कब कब एस एन विल टेंड टू इन्फिनिटी, ओनली व्हेन द आर इज टेंडिंग ए लाइन बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन। अगर आर की वैल्यू वन से बड़ी है या माइनस वन छोटी है तो कभी भी तुम्हारे पास वो सीरीज तुम्हें जेई लेवल तक में नहीं मिलने वाली, ठीक है। यू विल ऑलवेज गेट कन्वर्जेंट इनफाइनाइट सीरीज, डाइवर्जेंट इनफाइनाइट सीरीज ग्रेजुएशन में मिलेगी तुम्हें, ठीक है। तो अभी फिलहाल आई थिंक यहाँ तक तुम्हें चीज़ें क्लियर हो गई हैं। क्विकली मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूँगा, ऑल दो इट्स ऑलमोस्ट नाइन, बट कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर तुम ट्राई कर सकते हो अपने लेवल पे, ठीक है। लेट मी टेक अप वन क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफरेंट दिखने में है, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ, एक बहुत ईजी होता है, मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें ध्यान से देखना है। अब इसमें ये जो यूज़ किया गया, ये जो सिंबल यूज़ करा गया ना, दिस इज कॉल्ड समेशन। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, समेशन, मैथमेटिकल सिंबल्स हैं, राइट। तो इस सिंबल का नाम क्या होता है, समेशन। इसका मतलब क्या होता है कि आप n इज इक्वल टू वन से लेके 11 तक इस सीरीज को चलाओगे। देखो करके बताता हूँ, बहुत डिटेल में आराम से बताता हूँ, एक ही क्वेश्चन बताऊँगा, उसके बाद सर्टेनली आप कल की क्लास में करेंगे, कल की क्लास भी ओपन क्लास है, सो यू शुड गेट द यूजर आई डी एंड पासवर्ड, ठीक है, एंड यू कैन इन्वाइट योर फ्रेंड्स फॉर दैट क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं सर्टेनली कल की क्लास में आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे वो इससे बेटर होंगे। कल कुछ क्वेश्चंस मैं कॉम्पिटिशन्स के भी इंट्रोड्यूस करूँगा अपार्ट फ्रॉम आर डी शर्मा क्वेश्चंस। आई मीन अगर कुछ डाउट है तो आप सर्टेनली वो भी मेरे से पूछेंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कल कुछ क्वेश्चंस जेई और एनडीए के भी डिस्कस करूँगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर एक्चुअल क्वेश्चंस। टुमारो इज द लास्ट ओपन क्लास, ओके, सो यू कैन इन्वाइट योर फ्रेंड्स, नो प्रॉब्लम। चलिए देखिए अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि n इज इक्वल टू वन से लेके 11 तक मैं इसको करूँगा। जब मैं n इज इक्वल टू वन रखूँगा तो कितना आएगा मेरे पास, 2 प्लस 3 आएगा। n इज इक्वल टू टू रखूँगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 प्लस 3 का स्क्वायर आएगा। और जब मैं n इज इक्वल टू 3 रखूँगा तो क्या आएगा, 2 प्लस 3 क्यूब आएगा। एंड दिस कुड कॉन्टिन्यू टिल वेयर n इज इक्वल टू 11, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस समेशन, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। आई एम प्रिटी श्योर यू अंडरस्टैंड इट, राइट। अब देखो इसको समझने के लिए बहुत सिंपली मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक करूंगा। एक तो 222 कांस्टेंट है, कितनी बार, 11 टाइम्स, तो 2 × 11 मैं तो इसको सीधा ही 22 लिखना चाहूंगा। और जो दूसरी सीरीज है वो मुझे बड़ी अच्छी सी जीपी की तरह दिख रही है, 3 square 3 cube एंड सो ऑन, कॉन्टिन्यू टिल वेयर, टिल वेन, 3 raised to the power 11। अब यहाँ पे हमने अभी अभी सीखा है क्या, हमने ये सीखा एस एन इज इक्वल टू ए वन माइनस आर रेज टू द पावर एन ओवर वन माइनस आर, ठीक है, दैट इज व्हाट वी लर्नड। अगर तुम इस एक्सप्रेशन में थोड़ा सा दिमाग लगाओ और ऊपर नीचे अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ए
आर रेज टू द पावर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन, है ना। अगर मैं ऊपर नीचे माइनस वन से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा ना। ऐसा क्यों लिखेंगे? क्योंकि आर की वैल्यू यहाँ पे क्योंकि माइनस वन से बड़ी है, तो इट इज बेटर कि मैं उसको बड़ी कर लूँ। ऊपर भी बड़ी हो जाएगी, नीचे भी बड़ी हो जाएगी, तो पॉजिटिव लेना ज्यादा अच्छा है। ये गलत नहीं है, बट हाँ इट इज बेटर कि आप पॉजिटिव टर्म्स लिखें, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास 22 एज इट इज रह गया। ए की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? 3 दिख रही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? सेकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म, इट इज सडनली 3। तो ये मेरे पास आ गया 3 रेस टू द पावर एंड कितना है बेटा? 11। 3 रेस पावर 11 माइनस 1, राइट, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2। सो आई लीव इट एज द फाइनल आंसर। सडनली मैं 3 की पावर 11 को मल्टीप्लाई करके लिखने नहीं जा रहा, राइट, ना ही आपको लिखने की जरूरत है। That will be taken as the final answer. अगर मेरी बात समझ में आ गई तो फिर से गुड नाइट लिख दो चैट बॉक्स में, जस्ट टाइप GN, और अगर नहीं समझ में आई तो R लिख देना। Either you are typing GN or you are typing R. Now you are, as you are typing GN, please make sure that you are practicing it till exercise 20.3, right? Try and practice. एटलीस्ट सारे क्वेश्चंस नहीं तो जो मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको टच करो, ठीक है, ताकि कल की क्लास में तुम अच्छे